नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ फोर्थ लेसन, जिसका नाम है रज्जी का शॉप। यह एक कहानी है और रज्जी नाम के लड़के पर लिखी गई है। पाठ का नाम है रज्जी का शॉप। रज्जी लड़के का नाम है और शॉप मतलब हॉबी। मैं इस कहानी को सारांश के रूप में, समरी के रूप में आपको पहले बता देती हूँ। रज्जी एक नटखट और शरारती लड़का था। नटखट मतलब नॉटी और शरारती मतलब मिस्चिफ। उसे निशानबाजी बहुत पसंद था, वह शूटिंग करता था, लेकिन वह इसका प्रयोग, निशानेबाजी का प्रयोग यूज बागों से फल तोड़ने और मालिक को डराने में, पड़ोसियों को तंग करने में और दोस्तों को तंग करने में करता था। उसके तंग करने से रोज़ रोज़ उसकी शिकायतें घर में उसके मम्मी पापा के पास आती रहती थी, माता पिता के पास आती रहती थी। शिकायतें सुन सुन के उसके मम्मी पापा तंग आ गए थे और एक दिन उन्होंने यह निश्चय किया कि इन शिकायतों का हल ढूंढने के लिए हम चलते हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास, हेडमास्टर के पास, और वे गए। जब वे स्कूल पहुंचे और उन्होंने हेडमास्टर को सारी बातें बताई तो हेडमास्टर को पता चल गया कि रज्जी में एक टैलेंट है और वह है निशानेबाजी। और हेडमास्टर ने रज्जी को अपने स्कूल के निशानेबाजी टीम का उप कप्तान, वाइस कैप्टन बना दिया। फिर क्या था, रज्जी में एक अभूतपूर्व बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अब रज्जी पूरे दिन अभ्यास में लगा रहता था, वह प्रैक्टिस करता रहता था। अब उसने शरारतें करनी बंद कर दी और कुछ ही दिनों में वह एक अच्छा निशानेबाज बन गया। तो बच्चों, हम अब पढ़ते हैं इस लेसन को। मैं इसके एक एक पैराग्राफ, एक एक अनुच्छेद पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। एक लड़का था रज्जी, वह बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी एक लड़के का नाम था और वह बड़ा नटखट था। नटखट मतलब नॉटी था और शरारती था, मिस्चिफ था। उसका नाम तो राजेंद्र था, लेकिन सभी उसे प्यार से रज्जी कहते थे। जैसा कि आप लोगों में से भी बहुतों के नाम कुछ घर में बुलाने के लिए अलग होते हैं और स्कूल के लिए अलग होते हैं, यही बात रज्जी के साथ भी थी। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। गुल्ली डंडा यह आउटडोर गेम है और कंचे, कंचे मतलब मार्बल, गोली खेलना। जिस दिन उसके हाथ गुले लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं। वह चुन चुन कर पके पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उसे बस्ते में भरते जाते। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वह शूटिंग करता था और वह इसके साथ ही उसे गुल्ली डंडा और गोलियां खेलने का भी शौक था। लेकिन जब वह निशाना लगाने के लिए निकलता था तो वह आम के दिनों में उसी आम को तोड़ता था कि जो आम बहुत पके होते थे। तो यह थी उसके निशानेबाजी का प्रमाण कि उसके निशाने से वही आम नीचे गिरते थे जो पके होते थे। और जब वह आमों को तोड़ता था, उसके साथी क्या करते थे, उस पके हुए आमों को बस्ते में भरते जाते थे, थैले में डालते जाते थे। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर चला दी। मिट्टी की गोली उसके कानों से हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त माकन ने उससे पूछा, गोली माली को लग जाती तो? एक दिन की बात है कि रज्जी आम तोड़ने के लिए एक गार्डन में गया, बाग में गया। वहाँ पर माली उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। रज्जी ने क्या किया, अपने गुलेल से
मिट्टी की गोली ऐसे चलाई कि वह माली के कान को छूती हुई निकल गई। तब उसके दोस्त ने पूछा, जिसका नाम माकन था, कि अगर गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके कान के पास से निकल जाए, रज्जी ने उत्तर दिया। जब माकन ने उसे पूछा तो रज्जी ने उसका जवाब दिया कि मैंने गुलेल यानी ट्वेकर इस ढंग से चलाई थी कि वह माली को लगे नहीं बल्कि उसके कानों को छूते हुए दूर चला जाए और माली डर जाए, वो हम तक ना पहुंच पाए। अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ, स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। जब माकन और रज्जी में बातें हो ही रही थी कि उसका एक दोस्त जिसका नाम स्वर्णदीप था, वह बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारा जो रज्जी है वह परफेक्ट है निशानेबाजी में। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई, अब क्या हो, रज्जी ने पत्थर के टुकड़े से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। अब देखो बच्चों, रज्जी के निशानेबाजी की एक और करामात। उसने एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसकी गेंद एक गहरे तालाब में चली गई। सारे बच्चे यह सोचने लगे हम क्या अब क्या करें, लेकिन रज्जी ने कुछ पत्थर के टुकड़े उठाए और उनसे मार मार के गेंद को तालाब के किनारे ला दिया। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी, वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी पर उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा, वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। अब देखो रज्जी की एक दूसरी करामात। सुगंधा रज्जी के साथ ही पढ़ती थी और वह अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती थी। एक दिन रज्जी ने सुगंधा से उसकी नोटबुक मांगी, कॉपी मांगी, तब सुगंधा ने उसे अपनी नोटबुक देने से मना कर दिया। इस पर रज्जी ने क्या किया कि रिसर्च का समय था, मध्यावकाश का टाइम था, उसने एक बिच्छू मतलब स्कॉर्पियो ऐसे उछाला कि वह सीधा जा कर के सुगंधा के सिर पर गिरा और रज्जी इतने में ही क्लास से बाहर हो गया ताकि किसी को पता न चले कि यह शरारत किसने की है। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। रोज रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती, कभी माली से, कभी पड़ोसी से और कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी उसका ध्यान न लगता। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। रज्जी के इन उल्टे सीधे कामों से उसके माता पिता बहुत ही ट्रबल में थे, परेशान थे और रोज़ आए दिन उसकी शिकायतें घर में आया करती थी, कभी माली से, कभी पड़ोसियों से और कभी दोस्तों से। यहाँ तक कि रज्जी अपने शरारतों में इतना मशगूल हो गया था कि वह पढ़ने का काम भी नहीं करता था। इससे उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। रज्जी के माता पिता ने उसकी हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा, आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। जब एक दिन रज्जी के माता पिता स्कूल के प्रधानाचार्य मतलब हेडमास्टर के पास गए और उन्होंने रज्जी की सारी शैतानियाँ और निशाना लगाने की बातें हेडमास्टर को बताई, तो उन्होंने उसके कक्षा अध्यापिका से, रज्जी की क्लास टीचर से बात की और उसके माता पिता को समझाया कि आप चिंता बिल्कुल ना करें, रज्जी में बदलाव नज़र आएगा, उसके बिहेवियर में चेंज नज़र आएगा।
अब मैं समझ गया हूँ, हेडमास्टर ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, आप निश्चिंत हो जाएं, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे रज्जी के साथ क्या करना है। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नज़र आया। अब रज्जी न के बराबर शरारते करता, उसकी शिकायत भी नहीं आती। माता पिता के लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए, प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं? रज्जी के माता पिता जब थोड़े दिनों तक रज्जी के व्यवहार को देखते रहे तो उन्हें रज्जी के व्यवहार में अब बहुत ही चेंज लगा, परिवर्तन आया हुआ दिखाई दिया। अब रज्जी शरारतें ना के बराबर करता था। रज्जी में आए इस परिवर्तन को देखकर माता पिता को बहुत खुशी हुई और वे दोबारा प्रधानाध्यापक हेडमास्टर से मिलने के लिए गए, यह पूछने के लिए कि आपने ऐसा रज्जी में क्या कर दिया जो उसमें इतने बड़े परिवर्तन आ गए हैं। रज्जी के माता पिता को दोबारा स्कूल में देख करके प्रधानाध्यापक चौक उठ पड़े। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज आप लोग फिर आए हैं, क्या रज्जी अभी भी शरारते करता है? नहीं नहीं सर, हम यह नहीं जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है, हम यह जानने आए हैं, रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से कहा। हेडमास्टर द्वारा ऐसी बातें पूछने पर रज्जी के माता पिता ने कहा कि नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है, रज्जी ऐसा कोई शरारते अब नहीं करता है, हम तो यह जानने के लिए आए हैं कि आपने कौन सा करिश्मा किया है, कौन सा मैजिक किया है रज्जी के साथ कि अब वह बहुत ही बदल गया है। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है, मतलब टैलेंट है सही निशाने लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उपकप्तान बना दिया। अब वह मन लगा कर निशाने लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। बच्चों, जब रज्जी के माता पिता जाकर हेडमास्टर से दूसरी बार मिले और बताया कि आपने ऐसा क्या कर दिया है, तो इसके बदले में हेडमास्टर ने उन्हें बताते हुए कहा कि हमें पता चल गया है कि रज्जी में एक अच्छा टैलेंट है, एक अच्छा प्रतिभा है, अच्छी प्रतिभा है, और हमने यह बात उसके क्लास टीचर से जानी और अब हमने रज्जी को स्कूल के निशानेबाजी टीम का उप कप्तान वाइस कैप्टन बना दिया है। इसलिए अब वह मन लगाकर निशानेबाजी का और उस टीम के लोगों का, उस टीम के सदस्यों का देखभाल करता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जब प्रतियोगिता होगी तो हमारे ही स्कूल को ट्रॉफी मिलेगी। ऐसी बात कही स्कूल के हेडमास्टर ने किससे? रज्जी के माता पिता से। अब तो रज्जी को सभी प्यार करने लगे। जो माली आम तोड़ने से मना करता था वह स्वयं ही आम लाकर घर दे आता। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता न था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य की एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया, बदल दिया। बच्चों, जब रज्जी ने अपनी शरारतों से लोगों को तंग करना छोड़ दिया, अपना सारा ध्यान निशानेबाजी टीम में और निशानेबाजी में लगा दिया, तो लोग जो माली उसे बाग से फल तोड़ने में मारने के लिए दौड़ता था, अब वह माली खुद ही फल तोड़कर उसके घर दे आता था। उसके दोस्त भी उस पर गर्व करने लगे क्योंकि अब रज्जी निशानेबाजी टीम का उपकप्तान था और वह एक अच्छा निशानेबाज बनकर निकला था। पड़ोसी भी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता नहीं था। इस कहानी का पर्पस यह है कि हर बच्चे में गुण दोष होता है, गुड हैबिट और बैड हैबिट्स हर बच्चे में होता है। हर बच्चा नटखट और शरारती होता है, नट्टी और मिस्चिफ होता है।
बस ज़रूरत इस बात की होती है कि हम बच्चे में के टैलेंट को ढूंढें और उसे सही रास्ता दें, राइट पाथ उसे दें, ताकि वह भविष्य में फ्यूचर में अपने उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सके, उन्नति मतलब प्रोग्रेस कर सके। और जब हम बच्चे में उसके टैलेंट को ढूंढते हैं, उसे सही रास्ता देते हैं, तो वह प्रगति करता है। और जब ऐसा नहीं होता है, बच्चे के टैलेंट में को नहीं देखा जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, तो यही उसका टैलेंट दूसरे के परेशानी का कारण बनता है। तो ये है हमारी आज की कहानी रज्जी का शौक। बच्चों, यह कहानी आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, इसे पढ़ें और बार बार अभ्यास करें। यह आपको शब्दार्थ का भी अभ्यास करें, जिससे आपको पढ़ने में फ्लुएंसी आए हिंदी के। धन्यवाद।